होटल्स, 200 रेस्टोरेंट्स, 130 दुकानें और साथ ही साथ 150,000 की फैन कैपेसिटी। ये है सुल्तान्स का नया स्टेडियम द गोलायत। अब हम इनॉग्रल गेम के लिए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। थैंक्स लीना। गोलायत स्टेडियम, इसके बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़ा है, खचाखच भरा है लोगों और आवाज से। न जाने आज नकामा टीम का क्या हाल होने वाला है। आवाज कम करो, बहरे हो क्या यार, काफी लाउड है। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute I've ignited, now I'm gonna be a fighter. It's 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. गेम शुरू। अगर कोई इतने शोर में खेल सकता है तो वो नकामा ही है। हाँ, बीगो और उसके साथ ही उनके कंसंट्रेशन के लिए ही तो मशहूर है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये शोर हैंडल कर पाओगे शेख? हाँ, मैं कमाल के नए मूव पर काम कर रहा हूँ, उसे देखकर सुल्तान के फैंस ही की बात कहेंगे। नहीं, शेख ही कैसे कर लेता है। हाँ। और तुम अपनी सुना सुनजा, उनसे ज्यादा तेज नारे लगाना काफी मुश्किल होगा। तुम्हारे सामने एक सुपर फैन है बच्चे, हम जितना शोर कोई नहीं मचाता। मीगो इस वक्त काफी अच्छे पोजीशन में। सुल्तान के शेख चाहते हैं कि उनके पास और भी ज्यादा शोर मचाए। इससे ज्यादा शोर कैसे मुमकिन है। कुछ ज्यादा ही तेज आवाज है मैक। क्या कहा? बहुत हुआ, मैं मकान मालिक को बता रहा हूँ। यार, हमें तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मीको, आखिर वहाँ क्या हुआ दोस्त? हम तैयार थे पूरी तरह से, पर वो आवाज। Come on दोस्त, तुम तो पहले भी काफी बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेल चुके हो। तुम नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम खुद वहाँ पर नहीं होगे। मैंने मीको को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा है। इसीलिए तो हम उन फैंस से निपटने के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करने वाले हैं। प्रोफेसर, तुम सबको आदत होगी उठाने की डंबल्स, पर आज तुम सबको काम चलाना होगा डेसिबल्स से। क्या? एग्जैक्टली, डेसिबल्स और वॉट्स दोनों आवाज को नापने के तरीके होते हैं। एक शोर मचाती भीड़ के सामने खेलने की सबसे पहली चुनौती है कम्युनिकेशन। मैंने फील्ड पर इस्तेमाल करने के लिए काफी सारे हाथ के इशारे बनाए हैं। तुम्हें सभी सीखने हैं। हाँ जरूर, या फिर तुम्हारे पंछी के दांत में दर्द है? शायद मुझे इन्हें सीखने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, हमारा मिशन द गोलायत, 200 रेस्टोरेंट्स, 130 दुकानें, मूवी थिएटर्स, आर्केड्स, आइस रिंक्स, छोटा जू। जरा अंदाजा लगाओ हमें ये सब कुछ देखने में कितना वक्त लगेगा। सुपर फ्रेंड, मैं बस सुल्तान वाले गेम के लिए इन्हें तैयार कर रहा था। हमें सुल्तान के फैंस से तेज नारे लगाने पर ध्यान देना है, वहाँ घूमने पर नहीं, समझ गए? ठीक है दोस्तों, मैं कुछ कमाल के नए नारे लिख कर लाई हूँ, पर पहले वार्म अप्स। 1, 2, 3। ठीक है बॉयज, तुमने हाथ के इशारे सीख लिए हैं, मतलब तुम में से कुछ ने सिग्नल्स सीख लिए हैं।
एक बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने खेलने में दूसरी चुनौती है कि तुम शोर को कैसे हैंडल करते हो। कम ऑन कोच, फैंस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबका कॉन्सेंट्रेशन तो बेमिसाल है। हम किस बारे में बात कर रहे थे? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक ये वाला लेवल सुल्तान्स गोलायत स्टेडियम से शोर के बराबर है। सही जगह है, चलो पता लगाए। ये क्या था, हम तो सैंड्रा तक को जगा नहीं पाए। फिर से और इस बार थोड़े जोश के साथ। बच के रहना सुल्तान्स, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। अरे वाह वाह वाह, सुपर स्ट्राइकर्स, तुम्हारा स्वागत है गुलायत में। मुझे पूरा यकीन है तुम सब खो जाओगे यहाँ के माहौल में। खाना, कपड़े, एक्सेसरीज, सिनेमास, एक आइस रिंग, एक छोटा जू, गुलायत में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और तुम मेरे मेहमान होने के नाते इस सब का मजा ले सकते हो अपने पर्सनल गो पास से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख, पर इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर है। तुमने उसे हमारे हाथ के इशारे सिखाए? ये स्टेडियम मकड़ियों से भरा हुआ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, रहने दो। तो तुम्हें कैसा लगा ये गोलाया? डूड, मुझे तो यहीं रहना है, यहाँ करने के लिए कितना कुछ है। तो ये ऑल एक्सेस गो पास शायद तुम्हारे काम आए। मैं इस ताकतवर औजार का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करूँगा और शायद कुछ स्नैक्स के लिए। चलो हो जाए। गोलायत स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। और एक बात कहनी पड़ेगी, सुपर स्ट्राइकर्स तो काफी जोश में लग रहे हैं। कहनी पड़ेगी, इस स्टेडियम में तो चिल्लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो सुल्तान फैंस को दिखाएं असली नारे क्या होते हैं। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स का है राज, पहनेंगे जीत का ताज, उड़ेगा दुश्मनों का जय जब आएंगे सुपर फैंस। ओ गोपास, तुम जैसा कोई नहीं। अरे यार, मुझे गेम में जाना है पर मैं 90 मिनट तक रोक नहीं पाऊंगा। चलो हो जाए। सुपर स्ट्राइकर्स शुरू से ही हावी होने की कोशिश में है और उनके सारे फैंस भी। और मानने में तुम्हारी भलाई, कैप्टन रास्ता करेंगे सबकी भलाई। कैप्टन ने पास किया टाइगर को।
लाल शेख के पास। उसका नाम है शेख, जो किक करता बॉल, गोलकीपर उसका होता है बुरहान। सुल्तान, 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 कमाल है। सुल्तान, 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 सुल्तान। क्या वो गोल कर पाएगा? सुल्तान, 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 सुल्तान। शेख ने मारी के सुल्तान, सुल्तान। शेख जो नहीं करना चाहता था वही हो गया। पता नहीं क्या हो गया, मेरा वो मूव तो परफेक्ट था। इतने सारे फैंस के सामने खेलना ट्रेनिंग में खेलने से अलग होता है। अगली बार कुछ सिंपल ट्राई करना शेख दोस्त। हाँ, बॉल उस प्लेयर को देना जिसमें हो परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही कहा। अब आराम मिला। पता कितना लेट हूँ, सुपर फैन बहुत नाराज होगी। मुझे तो लगा था ये हर जगह चलेगा। फैंस के सपोर्ट ने सुपर स्ट्राइकर्स के अटैक को तो नाकाम कर दिया। अब क्या वो सुल्तान को जीतने में मदद कर पाएंगे? शो के होते हुए ये मुश्किल है। चाहे जाओ ईस्ट या वेस्ट, हमारा शो है सबसे बेस्ट। वाह, सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस तो पूरे जोश में लग रहे हैं। लगता है जैसे भी पर सुल्तान के पास एक बाबा खिलाड़ी हो। सुल्तान, 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 सुल्तान। और ये हुआ है सुल्तान की बदौलत। सुल्तान, हेलो, हेलो, मुझे जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। इस जगह पर आना मना है, सबके लिए। हाँ, सबके लिए। गोपस और वापस मत आना कभी भी। वाह, फर्स्ट हाफ काफी दिलचस्प रहा है ना ब्रेंडा? लगता है सबसे ज्यादा फैंस वाली टीम ही जीतेगी। मीको बिल्कुल सही था, यहाँ आने के बाद ही हम समझ पा रहे हैं कि उन पर क्या गुजरी होगी। पता नहीं दोस्तों, उस आवाज में कोई तो अजीब बात है। लग रहा है जैसे 1,50,000 नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो कहाँ छिपे हैं शेख, आइस रिंक में या फिर छोटे जू में? गो पासस। अभी मेरे पास वो गो पास नहीं है। गो पास के बिना किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अरे यार, आखिर कहाँ थी तुम? कुछ कह नहीं सकता, कितनी लंबी जगह है, बड़े बड़े कॉरिडोर्स, ढेर सारी सॉफ्ट ड्रिंक। आई एम सॉरी, मैं अब तक एक अच्छा सुपर फैन नहीं बन पाया, पर वादा करता हूँ मैं सेकंड हाफ में अपनी जान लगा दूंगा। हाँ? शेख? मेरे बैग में पुरानी दही रखी हुई है, जाकर खुजली वाला पाउडर ले आओ। पानी में तैरने जाओ, जाकर खाना खाओ। मैं समझ गया, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। गोपास का इस्तेमाल करके तहकीकात करो। कम ऑन फ्रेंड, चलो हो जाए। स्पेंसर, रुक जाओ। तुम्हारे वादे का क्या हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स को इस वक्त हमारी सख्त जरूरत है। फ्रेंड, एक सुपर फैन वो नहीं जो काम करे सिर्फ यहाँ से या यहाँ से,
बल्कि वो है जो काम कर दिखाए वहाँ पे। अच्छा ठीक है स्पेंजा जासूस, चलो तहकीकात करें। पर हमें उन चिड़चिड़े साइंटिस्ट से बचने का तरीका सोचना होगा। हो जाए। कुछ करो, उन्हें शक हो रहा है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि A प्लस B इक्वल्स टू C होता है। हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। सेकेंड हाफ के लिए मशीन तैयार है, पावर ठीक है, एम्पलीफायर्स तैयार हो रहे हैं। क्या 150,000 फैंस काफी नहीं थे? जो शेख ने कुछ लाख डेसिबल्स और बढ़ा दिए, वो भी फील्ड के ठीक नीचे। तभी तो सुपर स्ट्राइकर्स वो आवाज हैंडल नहीं कर पा रहे। हमें कुछ भी करके इस मशीन को बंद करना होगा। और शायद मुझे पता है कैसे। तुम्हारा मतलब? चलो हो जाए, गेम फिर से शुरू होने वाला है। चलो देखें सुपर स्ट्राइकर सेकंड हाफ में अपना सिक्का जमा पाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता मैट, आज शुरू से सुपर स्ट्राइकर की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब उनके फैंस ने भी वही किया है। शेख, तुमने स्पेंजा से क्या कहा था? जो भी कहा था, मुझे नहीं लगता उसे हाथ के सिग्नल समझ आए थे। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। ना मूव्स और ना ही उनके फैंस, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अब इससे बदतर और क्या हो सकता है। सिग्नल मिल गया, चलो शुरू करें साथियों। सुपर फैंस, अपना कमाल दिखाओ। शायद सब सुपर लीग टीम्स को अपने लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाना चाहिए। मिस्टर साइंटिस्ट, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर आना मना है। जब तक हम वो मशीन बंद ना कर दे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा डेसिबल जनरेटर बना है टाइटेनियम एलॉय से। टाइटेनियम, इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, पर हम जानते हैं इसकी एक कमजोरी। हर मशीन की कमजोरी। फैंस का शोर, वो जैसे गायब हो गया। सही कहा, ऐसा क्या हुआ? वो हुआ, सुपर स्ट्राइकर्स का है राज, पहनेंगे जीत का ताज, उड़ेगा दुश्मनों का चैन जब आएंगे सुपर फैंस। वो हाथ का सिग्नल तो मैं भी जानता हूँ। चलो साथियों, ये गेम फैंस के लिए जीतते हैं। अब असली नारा हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं फैंस। 1, 2, 3, 4
याद रहे शेख कॉन्सेंट, जाने दो तुम बस गोल करो। से अब हमें कुछ कहना चाहिए। एक दो तीन सुपर फैंस। अपनी अपनी किस्मत। मैंने सुना कि आपने काफी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। अफसोस वो फुस हो गई। शुक्रिया। और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है शेख। ये क्या है? तुम्हारा गोपास बिल। ओके, मेरी बस जा रही है, चलता हूँ। क्या, आखिर किसने खरीदे 130 सॉफ्ट ड्रिंक्स? उड़ गया दुश्मनों का चैन, कमाल कर गए हम सुपर फैंस।